गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 10 मार्च और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। अनदेखी 3744 ननिहालों के अब तक अपडेट नहीं हुए जन आधार व आधार। यूनिफॉर्म सिलाई की राशि प्रमाणीकरण के लिए चक्कर काट रहे स्कूलों के शिक्षक। जन आधार और आधार अपडेशन का कार्य अब तक नहीं हुआ पूरा। कॉलेज में जून में बढ़ने शुरू होंगे प्रथम वर्ष के ऑनलाइन फॉर्म। निदेशालय जारी करेगा कॉलेज प्रवेश नीति। अजमेर से बड़ी खबर है। 75% बोर्ड पात्रता नहीं होने पर आवेदन से ना चुके स्टूडेंट्स जेई मेंस 2023। सीयूईटी में अपार संभावनाएं पर जागरूकता का अभाव। एक्सपर्ट से जाने सीयूटी का महत्व है। संभावनाएं 12 मार्च तक कर सकेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन। विद्यार्थी 25 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में प्रवेश के लिए प्री डीएलएड में 200 सीटों की वृद्धि। काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली कोई भी अपडेट हो आप तक पहुँच जाएगी। रोडवेज में 5000 पदों पर भर्ती का निगम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। परिवहन निगम में प्रबंधन निदेशक ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। सरकार की मंजूरी मिलते ही खाली पदों पर होगी भर्ती शुरू। आप यहां पर पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। 12वीं बोर्ड का पहले दिन 10 केंद्रों पर मनोविज्ञान विषय का हुआ पेपर। नकल व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए बोर्ड स्तर पर विशेष उड़न दस्ते भी तैनात किए। तुलना ना करें विद्यार्थी, रोजाना पढ़ें। तनाव मुक्त पढ़ाई से मिलेगा बेहतर परिणाम। परीक्षा से पहले पत्रिका ने जाने बेहतर परिणाम के लिए टिप्स। ओपीएस पर भाजपा सरकार का फोकस, राजस्थान में मंथन। कर्नाटक सरकार के अफसरों की टीम ओपीएस लागू करने वाले राज्यों में जाएगी। चुनावी साल में भाजपा का ओपीएस मुद्दे पर रुख आएगा सामने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मनोविज्ञान विषय का हुआ पेपर। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू। सीबीएसई की तर्ज पर टाइम टेबल। दावा 1.10 लाख का नियमित होंगे 10,000 संविदा कर्मी। आईएएस पैटर्न का फसाया पेज, कर्मचारियों ने जताया विरोध। यूटीवी भर्ती को लेकर फिर चर्चाओं का बाजार गर्म। आरोप यह है कि विधानसभा में नहीं भेजे जा रहे सही जवाब। ओपीएस पर भाजपा सरकार का फोकस, राजस्थान में मंथन। चुनावी साल में भाजपा का ओपीएस मुद्दे पर रुख आएगा सामने। कर्नाटक सरकार के अफसरों की टीम ओपीएस लागू करने वाले राज्यों में जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्ष 2022 में लागू हुआ। कर्मचारियों को साथ रखने के लिए जुटे हैं राजनीतिक दल। प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर मांगे आवेदन। ईएसआईसी में निकली भर्ती है। सीनियर एसोसिएट सहित अन्य पदों पर भर्ती। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती 3 अप्रैल अंतिम तिथि है। क्लर्क सहित 163 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना, अब राजस्थान के 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आरबीएससी 12वीं की परीक्षाएं शुरू। प्रदेश में पहले दिन मनोविज्ञान का हुआ पेपर। 236 परीक्षार्थी बैठे। 10वीं के पेपरों से होगी भीड़। 16 मार्च से परीक्षाएं होगी शुरू। परीक्षा के दिन ही पहुंचेंगे उत्तर पुस्तिकाएं। वायुसेना में अग्निवीर के लिए 17 मार्च से आवेदन। 20 मई से परीक्षा। पटवार भर्ती 2021 में शहर से सटे ठिकरिया में बैठा था डम्मी अभ्यर्थी। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। अब 3.15 घंटे में हल करना होगा पेपर। 10वीं में 1773 स्टूडेंट्स घटे लेकिन 12वीं में 2920 बढ़े। बोर्ड परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं 10वीं कक्षा के लिए। आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके आराम से। डेली आपको यहाँ पर कोई न कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर आंसर है इनकी। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक। आरोपी सारण ने किए कई खुलासे। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में 55 फर्जी कैंडिडेट से
दिलवा चुके हैं परीक्षा। पॉलिटेक्निक शिक्षा, सरकारी नौकरियों में पिछड़ रहे हैं डिप्लोमा धारियों को अब प्राइवेट सेक्टर का सहारा। आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में आवेदन 31 तक। डीएलएड कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी, दो नए कॉलेज शामिल, 200 सीटों पर सिर्फ छात्राओं को मिलेगा प्रवेश। कोच व फिजिकल एजुकेशन के 119 पदों के लिए आरपीएससी करेगी फर्स्ट ग्रेड अफसरों का चयन। सहायक आचार्य पदों के लिए काउंसलिंग आज होगी पूरी। वाइस प्रिंसिपल की भरमार, 10,000 लेक्चरर को पदोन्नत के बाद भी नियुक्त नहीं, उन्हीं स्कूलों में, कई स्कूलों में 5 से 7 तक वाइस प्रिंसिपल नियुक्ति के करीब 1 साल बाद भी 10 जिलों में सीएचओ को नहीं मिला 1 माह का भी इंसेंटिव। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा है सुविचार। मित्र और शत्रु को कभी विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी भी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।